नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधान परिषद सभागार में आज शाहबाद क्षेत्र से आने वाले तमाम विधायक विधान पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह कर रहे थे। आपको बता दें, इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान भी मौजूद थे, जिसको लेकर हमने आज शाहबाद महोत्सव के संयोजक अखिलेश कुमार और साथ ही साथ बीजेपी MLC निवेदिता सिंह और राजद के विधायक सुधाकर सिंह से बात की। तो उन तीनों लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। शाहबाद के हम लोग विधानसभा और विधान परिषद के अधिकतर सदस्य हम लोग यहाँ उपस्थित थे, दलगत भावना से ऊपर उठकर कि शाहबाद की जो ऐतिहासिक धरती, पौराणिक सांस्कृतिक रूप से जो समृद्ध धरती रही है, पुनः उसके गौरव को वापस लाने के लिए हम लोग व्यापक पैमाने पर उसका प्रयास शुरू करने जा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, सभी सवालों को एकजुट होकर के हम लोग उठाने वाले हैं, यही हम लोग का मुख्य मुद्दा रहा है। तो क्या लगता है सर कि आज कार्यकारी सभापति भी और बिहार सरकार के मंत्री भी मौजूद थे, तो आप लोगों ने जो चर्चा की है वो अमल होगा? ये सभी जितने पदधारी हमारे थे वो शाहबाद के रहने वाले लोग हैं, और यहाँ पे एक शाहबाद के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग की हैसियत से थे, पदों के हिसाब से यहाँ नहीं थे। हम लोगों को ज़रूर थोड़ा मदद मिलेगा, ये जिन पदों पर हैं उन पदों के माध्यम से ज़रूर कुछ बात आगे बढ़ेगी। जी, आज ये बहुत शुभ दिन हुआ कि शाहबाद जो पुराना ज़िला था, रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर मिलाकर के सारे लोगों के, सभी दलों के MLA और MLC आज जुटे यहाँ पे, और सारे लोगों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके शाहबाद के विकास के लिए और पर्यटन क्षेत्र को एक नया आयाम देने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और उसमें सभापति बिहार विधान परिषद अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई और मेरे द्वारा जो 2019 में इसको शुरुआत किया गया शाहबाद महोत्सव को लेकर के, उसके लिए आज का दिन बहुत खुशी का रहा कि सारे लोगों ने एक साथ निर्णय लिया कि शाहबाद के विकास के लिए हम लोग एक मंच पर दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करेंगे। देखिए, आज पिछले 2 वर्षों से इसके लिए एक सफल प्रयास किया जा रहा है शाहबाद महोत्सव के लिए, और एक बहुत ही अच्छी पहल के साथ अखिलेश जी जो इसके संयोजक के रूप में एक कॉमन प्लेस बनाकर इसको चलने का काम कर रहे हैं, जिसमें कहीं भी जातिगत और दलगत कोई विषय नहीं है, और हम लोग सभी शाहबाद के जितने भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, सामाजिक सरोकार रखने वाले जितने भी लोग हैं, तो अपने क्षेत्र के विषय में सोचना और अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में सोचना और उसको एक आयाम तक पहुंचाना, ये हम लोग की एक सोच और पहल है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, बहुत से धार्मिक स्थल हैं, इन सभी को एक पर्यटक सर्किट के साथ जोड़ना और एक पर्यटक स्थल बनाना, लोगों का उस जगह पे आना, और एक बहुत बड़ी चीज़ वहाँ ये होगी कि वहाँ एक विकास का रास्ता खुलेगा और हमारे लिए रोज़गार का भी बहुत बड़ा साधन उपलब्ध हो पाएगा। तो बहुत सारे मल्टी सोच के साथ, बहुत सारे सामूहिक सोच के साथ इस कार्य को करने का हम लोगों ने शुभारंभ किया है, और आज एक पहली बैठक के साथ बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ हम सभी एक अच्छे निर्णय पे आए हैं कि हम लोग इसको करेंगे, इस कार्यक्रम को सरकार से भी सहयोग लेंगे और हम सभी अपना भी सहयोग देंगे पूर्णतः, और इस कार्यक्रम की सफलता की ओर हम लोग अग्रसर रहेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना, जिस तरह से शाहबाद में 2019 से शाहबाद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था पर कोरोना के कारण इसे रोक दिया गया था, ऐसे में आज बिहार विधान परिषद के सभागार में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, और हर एक दल के विधायक और विधान पार्षदों ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम शाहबाद को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। बढ़ाला बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।